अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा जी, आप सब केमिस्ट्री का आप सबको पता है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसमें मौजूद होने वाले तमाम जो भी केमिकल रिएक्शन हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर के बारे में ही पढ़ते हो, आप कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, यही सब पढ़ते हो, लेकिन सिर्फ उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में क्या है, स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल। तो जो चीज़ें हमें एक सेल के अंदर मिलेंगी ओवरऑल वही चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम सेल की कंपोजिशन के बारे में पढ़ें, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है कि सेल के अंदर एक अदद न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है, अगर हम इसी कंपोजिशन देखें तो इसी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें तकरीबन 70-90% आपके पास होता है वाटर। ठीक है, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल देखते हैं, उसी कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 70-90% क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। ठीक है, अगर इस वाटर को हम रिमूव कर दें, ठीक है, वाटर को आप निकाल दो, तो जो रिमेनिंग मास होता है, रिमेनिंग मास ऑफ सेल, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल। ठीक है, रिमेनिंग मास को हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये जो ड्राई वेट ऑफ द सेल है इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास मेनली, वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं लेकिन मेनली हमारे पास चार तरह के कंपाउंड्स आते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये मेनली वो चार कंपाउंड्स हैं, ये वो चार मॉलिक्यूल्स हैं जो एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वाटर के अलावा मेनली सेल के अंदर ये चार कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इन चार कंपाउंड्स को हम कहते हैं, ये चार कंपाउंड्स कहलाते हैं एज अ होल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज साइज, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मेनली तो ये होते हैं, उसके अलावा हमारे पास सेल के अंदर कुछ विटामिंस होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत माइनर कंपोनेंट बनाते हैं विटामिंस और मिनरल्स, बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास इन चार मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ये जो चार मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसमें हमारे पास पहले क्या है, प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल से यानी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब जैसे अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, ये सब क्या है हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल, ये कैसे बनेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल से। ठीक है, प्रोटीन्स कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं, प्रोटीन्स मिलकर बनती हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, जैसे ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अमाइनो एसिड। जब इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। इसी तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड यानी एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल। जब इस तरह से बहुत सारे आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीसैकेराइड का, ये भी हम बारी बारी हर टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। लिपिड्स जो हैं इनके मोनोमर्स यानी इनके जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहलाते हैं ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो मिलके क्या बना रहे हैं, लिपिड। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसके माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो सेल के अंदर हमने बात की कि सेल की बेसिक कंपोजिशन क्या है, मेनली तो क्या होता है, वाटर, 70-90% वाटर है। रिमेनिंग मास क्या कहला रहा है, ड्राई वेट ऑफ द सेल, और उस ड्राई वेट में आपके पास मेनली ये चार कंपाउंड्स आते हैं, प्रोटीन्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, और ये किससे मिलकर बनते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं। इनके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। और माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम कहते हैं मोनोमर्स, ठीक है। मोनोमर, मोनो मीन्स सिंगल और मर मीन्स मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या कहलाएगा? मोनोमर या माइक्रो मॉलिक्यूल। जब इस तरह से बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है? पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि अमाइनो एसिड क्या है, ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है या मोनोमर है, जब ये मिलेगा तो क्या बनाएगी? प्रोटीन। इसी तरह से मोनोसेक्राइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स या फिर पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? लिपिड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये हमने बेसिक कंपोजिशन पढ़ लिया, अब हम बारी बारी एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इनके थोड़े बहुत फंक्शंस पे बात कर लेते हैं। डस्टर, अच्छा, तो मेनली आपके पास सेल के अंदर ये चार चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इनके फंक्शंस के ऊपर थोड़ी बहुत बात करें, अगर हम इनके फंक्शंस पे बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडी में जो मेन रोल होता है वो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए हर वक्त क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारी बॉडी को मिलने वाली जो एनर्जी है, ठीक है, जो हमें काम करने के जो भी हमारी बॉडी को एनर्जी रिकवर होती है वो कहाँ से आती है? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, यानी 70-80% वो एनर्जी हमें मिल रही होती है कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं लिपिड्स। सेकंड नंबर पे क्या आ रहे हैं? लिपिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो सेकेंडली हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती है वो है लिपिड्स को, ठीक है। सेकेंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ज़्यादातर हर ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है या बॉडी में उनकी अमाउंट क्या हो गई है, कम हो चुकी है, तो फिर हमारी बॉडी क्या यूज़ करती है? लिपिड्स को। उसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो क्या है? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करती। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना लिपिड्स हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकती है। लेकिन मेनली जो प्रोटीन्स हैं इनका रोल होता है बॉडी की ग्रोथ में, ठीक है। प्रोटीन्स का मेन रोल किस में होता है? बॉडी ग्रोथ में, यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाने में, नए सेल्स बनाने में मेनली जो है वो किसका रोल होगा? प्रोटीन्स का, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो डीएनए है और आरएनए है, ये मेनली जो डीएनए है इसमें ये आपका होता है जेनेटिक मटेरियल। ये आपका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र कौन करता है? डीएनए। ये आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? हेरेडिट्री मटेरियल। डीएनए वो कंपाउंड है हमारे सेल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। और इसी प्रोसेस में आरएनए जो है वो इसकी क्या करता है? हेल्प आउट करता है डीएनए के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आरएनए के भी डिफरेंट रोल होते हैं, वो फिर हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसकी बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम बारी बारी जो है वो एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नाम से क्या जाहिर हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन। अगर नाम से जाहिर हो रहा है तो नाम से इसका नाम बेसिकली रखा क्यों गया था? क्योंकि इनको समझा जाता था शुरू में हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन से क्या मुराद है? यानी एक कार्बन होगा, उस एक कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा। इसका जनरल फार्मूला दिया गया था CnH2O, ठीक है। तो शुरू में कार्बोहाइड्रेट्स
को क्या कंसिडर किया गया था? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशियो होता है जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है. ठीक है, तो इस बेस पे इसका जनरल फॉर्मूला क्या दिया गया? CnH2ON, या फिर अगर हम इसको खोल कर लिखें तो CnH2NON. तो शुरू में तो सिंपली ये कहा गया कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका बेसिक फार्मूला क्या होता है? CnH2NON, यानी जो हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं जिसमें वाटर यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वही रेशियो होता है 2:1 जो वाटर के अंदर मौजूद होता है. लेकिन बाद में इस डेफिनेशन पे कुछ ऑब्जेक्शंस लगे. अब वो ऑब्जेक्शंस क्या थे? बाद में जब जैसे जैसे मजीद रिसर्च होती गई तो कुछ ऐसे कंपाउंड सामने आए जो प्रॉपर्टीज वाइज तो कार्बोहाइड्रेट्स थे लेकिन उनका जो फॉर्मूला है वो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा था. जैसे एक आपके पास एग्जाम्पल आती है रेमनोज. रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, रेमनोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट. इसकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? कार्बोहाइड्रेट जैसी हैं. लेकिन जब इसका फॉर्मूला देखा गया तो इसका फॉर्मूला क्या था? C6H12O5. आपके पास जनरल फार्मूला क्या होता है? जितने कार्बन है उतने ही क्या होने चाहिए? ऑक्सीजन. और उससे डबल क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन. अब अगर ये डेफिनेशन करेक्ट होती तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? C6H12O6. लेकिन ये प्रॉपर्टीज वाइज तो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसका फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, यानी उस डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है. वो हर कार्बोहाइड्रेट पे अप्लाई नहीं हो सकती. इसी तरह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद थे जो इस जनरल फॉर्मूले को तो फॉलो कर रहे थे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बराबर थे, हाइड्रोजन उनसे डबल था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स वाली नहीं. जैसे दो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, एक आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड और एक है हमारे पास एसीटल्डिहाइड. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला पता है HCHO, इस तरह से लिखते हैं, या फिर मैं इसको कैसे लिखूँगी? CH2O. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक एक और हाइड्रोजन इससे डबल है, तो ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं CnH2NON को. इसको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था मगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. इसी तरह से अगर एसीटल्डिहाइड देखें, एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सबको पता है CH3COOH, ये एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है. ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4O2. ठीक है, C2H4O2. ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो वो जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन क्या है? बराबर है. हाइड्रोजन उससे क्या है? डबल है. लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, सॉरी एसीटल्डिहाइड नहीं, एसिटिक एसिड, ये जो मॉलिक्यूल है ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है लेकिन उसके बावजूद जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है, जो हमने ऊपर कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, ये डेफिनेशन हर सूरत में जो है वो अप्लाई नहीं हो रही. हर मॉलिक्यूल के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो ऐसी एग्जांपल्स हमें मिली थी जो कि उस डेफिनेशन को क्या कर रही थी? रिजेक्ट कर रही थी. पहली क्या थी? रेमनोज, जिसकी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स वाली थी लेकिन उसका जनरल फार्मूला उसको फॉलो नहीं कर रहा. इसी तरह से सेकेंड हमने क्या बात की? फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड वो कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को फॉलो कर रहा था लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स वाली नहीं है. तो इसका मतलब वो जो डेफिनेशन हमने शुरू में दी वो डेफिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है. इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की एक मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन दी गई. वो डेफिनेशन क्या दी गई? कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा. और ना सिर्फ एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा बल्कि उसमें वो क्या होगा? पॉलीहाइड्रिक. पॉलीहाइड्रिक से मुराद मैनी OH ग्रुप्स मौजूद होंगे. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन थी ये तकरीबन हर कार्बोहाइड्रेट के लिए करेक्ट थी. तो अब कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि क्या है? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या फिर
कीटोन होगा और वो कंपाउंड कैसा होगा, पॉलीहाइड्रिक, जिसमें मैनी OH ग्रुप्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किस बेस पे करते हैं, क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रोटीन्स पढ़ी थी कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट होता है एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। एक शुगर मॉलिक्यूल क्या है, एक मोनोमर है। एक शुगर मॉलिक्यूल क्या है, एक मोनोमर। अब नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स की बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कर देते हैं क्लासीफाई। कितनी टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, इसको हम क्लासीफाई करते हैं थ्री टाइप्स में। अब वो थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं, अगर आपके पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल है, वो शुगर मॉलिक्यूल सिर्फ एक मोनोमर की फॉर्म में मौजूद है, वो किसी दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं हुआ हुआ, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है मोनोसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड, यानी कंपोज्ड ऑफ ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल हो तो वो क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड। अगर आपके पास तकरीबन 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स या 2 से 10 मोनोमर्स अगर मौजूद हो, यानी आपके पास 2 शुगर मॉलिक्यूल्स की चेन है या फिर 3-4 इस तरह से मॉलिक्यूल्स की चेन है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहलाता है ओलिगोसैकेराइड। वो क्या कहलाता है, ओलिगोसैकेराइड। नहीं, अगर एक शुगर मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स वन और सैकेराइड का वर्ड हम यूज़ करते हैं शुगर के लिए, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल हो, फ्यू यानी 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अगर मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स आ जाएँ चेन में, अगर चेन के अंदर मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स आ जाए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीसैकेराइड का। पॉली मीन्स मैनी और सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई किस बेस पे करें। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी है वो हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल हो, एक सिंगल मोनोमर हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोसैकेराइड का। अगर 2 से 10 मोनोमर्स आ रहे हैं तो वो कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड, और अगर जो है वो मोर देन 10 मोनोमर्स आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, आपको पता है सॉलिड जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमोर्फस। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो मोनोसैकेराइड्स और जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये आपके पास होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मोनोसैकेराइड्स कैसे सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये भी कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन नहीं होते बल्कि ये कैसे सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सबसे स्वीटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वीटर इन टेस्ट। ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो स्वीट होते हैं लेकिन मोनोसैकेराइड्स के मुकाबले में कम स्वीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लेस स्वीटर देन मोनोसैकेराइड्स। स्वीट होंगे लेकिन एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स कम स्वीट होंगे। और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बिल्कुल टेस्टलेस। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टीज होंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दोनों, वो क्या है अमॉर्फस, ये दोनों स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वो क्या होता है टेस्टलेस। इन दोनों को कंपेयर करें तो मोनोसेक्राइड ज़्यादा स्वीटर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, सॉलिबिलिटी इन वाटर। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। जो ऑलिगोसेक्राइड्स हैं ये भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी मोनोसेक्राइड्स के मुकाबले में कम होती है, यानी ये क्या होते हैं लेस सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल होते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं लेस सॉल्युबल। और जो थर्ड टाइप है पॉलीसेक्राइड, ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई कार्बोहाइड्रेट्स में, हमने तीन टाइप्स पढ़ी, मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स और ऑलिगोसेक्राइड्स क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और सॉरी इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिक थोड़ी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब बारी बारी हम तीनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, जिनको आप मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मजीद शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर, मजीद हाइड्रोलाइज उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं इसको हम मजीद क्लासीफाई करते हैं, इसको मजीद क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स पे, दो बेसिस पे हम इसको मजीद क्लासीफाई। ये तो आपको समझ आ गया कि एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, मोनोसेक्राइड। अब वो जो सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है उसको हम क्लासीफाई डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। एक क्लासीफिकेशन हम इसकी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशन में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होंगे जो या तो एल्डिहाइडिक होंगे या फिर कीटोनिक और साथ में पॉलीहाइड्रिक ग्रुप्स होंगे, यानी एक ग्रुप होगा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो इसी तरह से जब हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसा मोनोसेक्राइड, ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जो एक जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है, जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप पे, उस शुगर को हम नाम देते हैं एल्डोस। उस मोनोसेक्राइड को हम क्या नाम देंगे, एल्डोस। और ऐसा मोनोसेक्राइड, ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप पे, उसको हम नाम देंगे कीटोस। उसको हम क्या नाम देंगे, कीटोस, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स को हमने एक क्लासिफिकेशन से किस बेस पे की, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो एल्डिहाइड है तो वो शुगर कहलाएगी एल्डोस, और अगर वो कीटोनिक ग्रुप है तो वो शुगर क्या कहलाएगी, कीटोस। अब सेकेंडली जो हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हम इसकी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो जो एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल है उस सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि उस शुगर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन पाए जा रहे हैं। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन एटम्स एक शुगर मॉलिक्यूल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। एक मोनोसेक्राइड, एक सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन एटम्स इसमें मौजूद हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक 3 कार्बन वाली शुगर है, यानी एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है, तो उस शुगर को हम कहते हैं ट्रायोस। क्या नाम देंगे, ट्रायोस। अगर 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसको हम नाम देते हैं टेट्रोस का। अगर 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो उसको हम नाम देते हैं पेंटोस का। अगर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो उसको हम नाम देंगे हेक्सोस का। अगर 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो उसको हम नाम देंगे हेप्टोस का, एंड सो ऑन, ठीक है।
ज़्यादातर मोनोमर्स आपके पास 7 कार्बन वाले होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें इससे ज़्यादा कार्बन आइटम्स हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि हमने मोनोसेकेराइड को क्लासीफाई कर दिया किस पे, इस पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। क्लियर हो गया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हमारे पास ट्रायोस कौन से होते हैं, टेट्रोस कौन से होते हैं, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ठीक है, और फिर हम इसमें साथ में देखेंगे कि इसमें एल्डिहाइडिक शुगर कौन सी होती है और कीटोनिक कौन सी होती है। अब हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे और साथ में हम उसकी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब अगर मैं एक 3 कार्बन वाली शुगर की बात कर रही हूँ, यानी अगर मैं एक ट्रायोस शुगर की बात करूँ, तो वो ट्रायोस शुगर एक ऐसी होगी जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एक ऐसी होगी जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा। यानी ट्रायोस में आपके पास एक एल्डो ट्रायोस आएगी, एक आपके पास क्या आएगी, कीटो ट्रायोस। ठीक है, तो अब हम उसी को डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन शुगर मॉलिक्यूल्स के नाम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, और फिर यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारे पास एल्डोस शुगर कौन सी है और कीटोस कौन सी। जैसे पहले हमने बात की कि जो सबसे पहले शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमें 3 कार्बन वाला मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रायोस। अब ये जो ट्रायोस शुगर है, ये 2 तरह की हो सकती है, एक वो जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और एक वो जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा। यानी एक होगी एल्डो ट्रायोस, एक क्या होगी, कीटो ट्रायोस। ऐसे ये अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है एल्डो ट्रायोस की, उसको हम कहते हैं ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड क्या है, ये एक एल्डो ट्रायोस शुगर है। कैसी शुगर है, एल्डो ट्रायोस। एल्डो ट्रायोस से मुराद यानी 3 कार्बन वाली शुगर है, और उस 3 कार्बन वाली शुगर में आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो कीटोस शुगर है, यानी कीटो ट्रायोस, उसकी एग्जांपल हमारे पास आती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, सेकेंड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ट्रायोस के बाद हमारे पास आती है टेट्रोस। ट्रायोस के बाद क्या है, टेट्रोस। अब टेट्रोस भी 2 तरह की होगी, एक वो होगी जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और एक वो होगी जिसके अंदर कीटोनिक, यानी एक एल्डो टेट्रोस होगी और एक कीटो टेट्रोस होगी। इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है इरेथ्रोस, और एक आपके पास एग्जाम्पल आती है थ्रियोस। ठीक है, एल्डोस सॉरी इरेथ्रोस या फिर थ्रियोस। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो कीटोनिक शुगर आती है, कीटो टेट्रोस जो आती है, उसका नाम है हमारे पास इरेथ्रियोलोस। उसका क्या नाम है, इरेथ्रियोलोस। ठीक है, टेट्रोस के बाद हमारे पास आती है पेंटोस शुगर, यानी 5 कार्बन वाली शुगर, उसमें भी एक एल्डो पेंटोस होगी और एक कीटो पेंटोस। इसमें हमारे पास जो एल्डो पेंटोस होती है उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास राइबोस, और जो कीटो पेंटोस है उसकी एग्जाम्पल है राइबुलोस। उसकी एग्जाम्पल क्या है, राइबुलोस। पेंटोस के बाद हमारे पास जो अगली शुगर टाइप है, यानी 6 कार्बन वाली जो शुगर है, उसको हम क्या कह रहे हैं, हेक्सोस। अब वो हेक्सोस एल्डो हेक्सोस भी हो सकती है और कीटो हेक्सोस भी। एल्डो हेक्सोस हमारे पास 2 होती हैं, एक होती है ग्लूकोस और एक होती है गैलेक्टोस। एक क्या होती है, ग्लूकोस, एक क्या होगी, गैलेक्टोस। और जो कीटो हेक्सोस होती है वो हमारे पास आ जाती है फ्रक्टोस। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास क्या है, हेक्सोस शुगर्स हैं, ग्लूकोस, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस। ग्लूकोस और गैलेक्टोस क्या है, एल्डो हेक्सोसिस शुगर्स हैं, और ये क्या है, कीटो हेक्सोस। ठीक है, और लास्ट हम देख लेते हैं कुछ हेप्टोस शुगर के एग्जांपल्स। 7 कार्बन वाली शुगर क्या कहलाएगी, हेप्टोस। 7 कार्बन वाली शुगर क्या कहलाएगी, हेप्टोस। उसमें भी हमारे पास एक एल्डो हेप्टोस आएगी और एक कीटो हेप्टोस। जो एल्डो हेप्टोस है इसमें आपके पास एग्जाम्पल आती है ग्लूकोहेप्टोस की, यानी एक एल्डिहाइडिक शुगर और 7 कार्बन वाली शुगर है। और सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल आती है वो है सीडोहेप्टुलोस। सीडोहेप्टुलोस क्या है, 7 कार्बन वाली शुगर है, और ऐसी शुगर है जिसके अंदर आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मोनोसेक्राइड से क्या हो गई, एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होंगे,
उसको हम क्लासीफाई दो तरह से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मीनिंग एल्डोस या कीटोस, और एक क्लासीफाई हम उसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तीन कार्बन वाली है तो ट्रायोस, चार कार्बन वाली है तो टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर हमने उसमें एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ली कि ग्लिसरलडिहाइड एक तीन कार्बन वाली शुगर और एल्डिहाइड एक ग्रुप पे, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी तीन कार्बन वाली शुगर लेकिन उसमें फंक्शन ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है। अब वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो होते हैं हेक्सोस। हमारी बॉडी के लिए अब ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन सब में से, वो कौन से, हेक्सोस। इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोस और गैलेक्टोज को। हेक्सोस यानी एक मोनोसेक्राइड है आपके पास, और कैसा मोनोसेक्राइड है, ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें छः कार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। छः कार्बन एटम्स क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक होंगे। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करें वो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, ग्लूकोज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में एक बात बताते चलूँ, क्योंकि जो भी हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है, चाहे वो तीन कार्बन वाला चाहे चार कार्बन वाला, शुगर मॉलिक्यूल आपको मिल सकता है दो फॉर्म्स में, ठीक है। कोई भी शुगर मॉलिक्यूल होगा वो आपको दो फॉर्म्स में मिल सकता है, या तो जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो ना, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही है। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं आपको दोनों फॉर्म्स में मिल सकते हैं, ये आपको ओपन चेन फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ये आपको क्लोज्ड चेन फॉर्म में भी मिल सकते हैं। कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और एक उसका होता है क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन तो हमें पता है सीधा साधा होगा। अब ये जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, इसमें रिंग बनेगा आपके पास। ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है, एक वो रिंग होता है जिसमें जो सिक्स कॉर्नर रिंग होगा या सिक्स मेंबर रिंग, यानी ऐसा रिंग बनेगा जिसमें कितने कॉर्नर्स होंगे, छः कॉर्नर्स वाला रिंग बनेगा। ऐसे रिंग को हम नाम देते हैं पायरानोस। ऐसे शुगर मॉलिक्यूल को जो सिक्स कॉर्नर्स रिंग के फॉर्म में मौजूद होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, पायरानोस का। और अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जो क्लोज फॉर्म में मौजूद है, लेकिन वो क्लोज फॉर्म कैसी है, फाइव कॉर्नर रिंग या फाइव मेंबर रिंग है इस तरह से, तो उस शुगर मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं फ्यूरानोस। उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्यूरानोस, ठीक है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल हो, वो क्लोज चेन फॉर्म में मिलेगा। अगर क्लोज चेन फॉर्म में मिल रहा है तो वो क्या कहला रहा है, अब वो जो क्लोज चेन फॉर्म में मिल रहा है वो रिंग छः कॉर्नर्स वाली भी हो सकती है और वो रिंग पाँच कॉर्नर्स वाली भी हो सकती है। जो छः कॉर्नर्स वाली रिंग होगी वो क्या कहलाती है, पायरानोस, और जो पांच कॉर्नर्स वाली रिंग होगी वो क्या कहलाती है, फ्यूरानोस, ठीक है भैया। अब हम चलते हैं वापस ग्लूकोज की तरफ। अब ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये छह कार्बन वाली शुगर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का, हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं ये कैसी शुगर है, एल्डिहाइडिक शुगर है, यानी ये एक एल्डोस है, ठीक है। या फिर ज़्यादा करेक्ट लिखे तो एल्डो हेक्सोस शुगर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास,
अब ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आपको क्या नज़र आ रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और इसके अंदर बहुत सारे OH आर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें वो जो हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात की थी उसके वो चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक होगा और उसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये स्ट्रक्चर आपके पास ग्लूकोज का है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाली शुगर है, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो बेसिकली आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, और इसके अंदर बहुत सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, OH आ रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो एक एल्डोहेक्सोज शुगर है, ठीक है, यानी ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज दो फॉर्म्स में मिलती है, ठीक है। ये हमने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर हम इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, एक होता है डी ग्लूकोज और एक होता है एल ग्लूकोज, ठीक है। एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में कुछ खास फर्क नहीं होता, बस एक ग्रुप की पोजीशन का फर्क होता है। आपको ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आप अगर देखो कार्बन नंबर 5, ये जो आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH भी लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है। आपने इसमें देखनी है OH की पोजीशन। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे हो तो ऐसी शुगर क्या कहलाएगी, डी शुगर। क्या कहलाएगी, डी शुगर या डी ग्लूकोज। और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ, OH यहाँ पे आ जाए और H आ जाए यहाँ पे, तो फिर ये क्या बन जाएगी, एल शुगर। यानी ये जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा शुगर मॉलिक्यूल का उसमें OH की पोजीशन का फ़र्क है। अगर OH राइट हैंड साइड पे आएगा तो वो शुगर क्या होगी, डी शुगर होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो वो शुगर क्या होगी, एल शुगर। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना लिया डी शुगर का। डी शुगर ज़्यादातर जो नेचुरली जो शुगर पाई जाती है वो होती है डी शुगर, ठीक है। नेचुरली हमारी बॉडी में जो पाई जाती है, जो भी नेचुरल सोर्सेज से हमें हासिल होती है ग्लूकोज, वो कौन सी होती है, डी ग्लूकोज। यानी ऐसी शुगर जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे होगा। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ तो ये हो गई कि जो शुगर मॉलिक्यूल हमने बात की ग्लूकोज की, वो दो तरह का हो सकता है, डी ग्लूकोज या फिर एल ग्लूकोज। ये जो शुगर है डी जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कहा जाता है, ये शुगर कैसी है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है कि जब आप इस शुगर मॉलिक्यूल से लाइट पास करोगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब आप इस शुगर मॉलिक्यूल से पास करोगे तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेंड कर देगा राइट हैंड साइड पे। ऐसी शुगर जब उससे प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी जाए और वो उसको बेंड कर दे राइट हैंड साइड पे, ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी का। और इसको शो करने के लिए हम साइन यूज़ करते हैं पॉजिटिव का, ठीक है। और सेकेंड टाइप होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे बेंड करती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज कैसी है, दो फॉर्म से मिल सकती है, डी ग्लूकोज या फिर एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो जो राइट हैंड साइड पे हो, और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो क्या हो जाएगी, एल ग्लूकोज। नेचुरली कौन सी पाई जाती है, डी ग्लूकोज। नेचुरली कौन सी पाई जाती है, डी ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है ये क्या करती है, प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड करती है राइट हैंड साइड पे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसके लिए हम वर्ड साइन यूज करते हैं पॉजिटिव का। क्लियर हो गया? अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, जब आप इस शुगर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, अभी आपको ये ओपन चेन फॉर्म में नजर आ रहा है, जब आप इस शुगर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये ओपन चेन फॉर्म जो है ये कन्वर्ट हो जाती है क्लोज चेन फॉर्म में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्लोज चेन फॉर्म में, ठीक है। अब वो जो क्लोज चेन फॉर्म आपके पास बनती है वो बनेगी कैसे, ये आपके पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है अब कन्वर्ट होने जा रहा है किस पे,
क्लोज चेन स्ट्रक्चर में आपने वाटर में डिजोल्व किया शुगर को, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज चेन में। अब होता क्या है कि ये जो आपके पास पहला कार्बन है इसका, ये पहला कार्बन यानी जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला जो कार्बन है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, पांचवें कार्बन के साथ जिसके पास क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा इसके दरमियान बॉन्ड। पहले और पांचवें कार्बन के दरमियान क्या बन गया आपके पास, बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे हमारे पास बन गया OH और यहाँ पे H। सारे स्ट्रक्चर सेम है, बस फर्क क्या हुआ कि ये जो पहला कार्बन है इसने बॉन्ड बना लिया पांचवें कार्बन के साथ, और ये ओपन चेन फॉर्म कन्वर्ट हो गई किस में, क्लोज चेन फॉर्म में। अब जब ये ओपन चेन फॉर्म क्लोज चेन में कन्वर्ट होती है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर आपके पास दो तरह का हो सकता है। ये जो पहले कार्बन में आपके पास OH ग्रुप आ रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ये राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है। अगर ये OH ग्रुप आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड पे, तो ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं अल्फा शुगर का। ऐसी शुगर को हम क्या नाम देंगे, अल्फा शुगर का। यानी जब ओपन चेन फॉर्म कन्वर्ट होगी क्लोज चेन फॉर्म में, तो ये जो क्लोज चेन फॉर्म है इसमें पहले कार्बन पे आपने OH की पोजीशन देखनी। अगर ये OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है तो वो शुगर क्या कहलाएगी, अल्फा शुगर। इसी तरह से ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं बीटा शुगर। तो यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये शुगर क्या कहलाती है, बीटा शुगर, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में बात की है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मेनली दो तरह का होगा, डी शुगर होगी या एल शुगर, वो हमने बात की पांचवें कार्बन में OH की पोजीशन की बेस पे। अगर राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो वो डी शुगर होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है तो वो होगी एल शुगर। उसके बाद जब ये ओपन चेन फॉर्म कन्वर्ट होती है क्लोज चेन फॉर्म, जैसे हमने ओपन चेन फॉर्म यहाँ पे कौन सी ली है, डी ग्लूकोज ली है, ये कौन सी ली है हमने, डी ग्लूकोज। और हमने स्टार्ट में थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये शुगर क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं, पॉजिटिव का। तो ये कैसी शुगर है, डी प्लस ग्लूकोज। ये शुगर आपके पास कैसी है, डी प्लस ग्लूकोज। अब ये डी प्लस ग्लूकोज जब क्लोज चेन में कन्वर्ट हो रही है, वो क्लोज चेन फॉर्म्स आपके पास दो तरह की बन रही है। एक आपके पास बन रही है जिसमें पहले कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे, ये शुगर क्या कहला रही है, अल्फा शुगर, अल्फा ग्लूकोज। और अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये शुगर आपके पास क्या कहलाएगी, बीटा शुगर। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की, ग्लूकोज की दो फॉर्म्स, ओपन चेन फॉर्म एंड क्लोज चेन फॉर्म। अब ये जो आप यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी ये आप इसमें क्या है, इंटर कन्वर्ट, यानी ओपन चेन फॉर्म क्लोज चेन में कन्वर्ट हो रही है, क्लोज चेन ओपन चेन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है, ओपन चेन का क्लोज में कन्वर्ट होना, क्लोज का वापस से ओपन में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस है इसके लिए हम इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन का। म्यूटा रोटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। यानी पहले आपके पास ओपन चेन था, ये कन्वर्ट हुआ अल्फा ग्लूकोज में, फिर वो अल्फा ग्लूकोज वापस से ओपन में कन्वर्ट हुआ, और ओपन से वो चला गया बीटा में। तो ये जो कन्वर्जन है एक फॉर्म की दूसरी फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हेक्सोज शुगर्स तक, ठीक है। हमने उसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, ओपन चेन फॉर्म एंड क्लोज चेन फॉर्म, ठीक है। ओपन चेन में हमने बात की थी, हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो दो तरह का होता है, एक डी शुगर होती है और एक एल शुगर होती है, ठीक है। जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे होगा वो डी शुगर होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो वो एल शुगर होगी, ठीक है। फिर जब वो क्लोज फॉर्म में आ जाता है, तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्लोज फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो उसमें आपने पहले कार्बन पे OH की पोजीशन देखनी है। अगर पहले कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे तो वो कहलाती है अल्फा शुगर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो कहलाएगी बीटा शुगर। अब वो जो हमने क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाया था, वो तो हमने स्ट्रेट वाले को ही बॉन्ड बना दिया क्लोज में, लेकिन क्लोज फॉर्म असल में आपको जो मिलेगी ग्लूकोज
वो आपको रिंग मिलेगा और वो रिंग कैसा होगा? पाइरानोज रिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लूकोज जब क्लोज चेन फॉर्म में आता है तो वो एक सिक्स कॉर्नर्स वाली रिंग बनाता है, ठीक है। वो जो सिक्स कॉर्नर्स वाली रिंग बनती है वो इस तरह से होती है, यहाँ पे मौजूद होता है ऑक्सीजन, ये उसका कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5, और यहाँ पे लगा होता है कार्बन नंबर 6 CH2OH। पहले कार्बन पे OH और H, सेकेंड कार्बन में हमारे पास OH, H, OH, H। अब ये हमारे पास मतलब वही स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले आपको ओपन चेन वाली में दिखाया था, वो जब क्लोज फॉर्म में आते हैं तो वो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब ये जो रिंग है इसके छः कॉर्नर्स हैं, ये छः कॉर्नर्स वाली रिंग क्या कहलाती है? पाइरानोज, ठीक है। अब वहाँ पे तो मैंने आपको बताया था, जब हमने मैं वहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, जो हमने लास्ट में स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने इनको आपस में कनेक्ट किया था बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इसमें हमने कहा था कि यहाँ पे ये क्लोज फॉर्म में पहले कार्बन का आपने देखते हैं OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे, तो ये कैसा है? अल्फा शुगर। लेकिन कभी कभार आपको ये मॉलिक्यूल ऐसा ड्रॉ किया हुआ मिलेगा रिंग की फॉर्म में। अब इसमें आप कैसे पहचानोगे कि अल्फा शुगर कौन सी है और बीटा शुगर कौन सी है? इसमें आपने ये जो कार्बन नंबर 1 है इसमें देखना है, अगर OH नीचे की तरफ बना हुआ हो तो ये कहलाएगी अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? अल्फा ग्लूकोज। और अगर इसमें मैं OH कर दूँ ऊपर की तरफ, यानी अगर ये ऐसा हो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या हो OH हो, तो फिर ये क्या कहलाएगी? बीटा ग्लूकोज। यानी आपको एग्जाम में दो तरह के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। अगर इस तरह से क्लोज चेन में स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है तो आपने पहले कार्बन पे देखना है कि OH राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे होगा तो अल्फा शुगर, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो बीटा शुगर। या फिर अगर रिंग फॉर्म में दिखा रहे हैं तो रिंग फॉर्म में आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहले कार्बन पे देखोगे, अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो वो क्या कहलाएगी? अल्फा ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो वो क्या कहलाएगी? बीटा ग्लूकोज। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद हमने ग्लूकोज के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। अब अगले दो हेक्सोज शुगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? सेकंड जो हमारे पास हेक्सोज शुगर है वो कौन सी है? फ्रक्टोज, ठीक है। अब फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह ही हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन वाली शुगर है, और इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में फ़र्क क्या है? ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? एल्डिहाइड ग्रुप। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन ग्रुप। यानी ये कैसी है? कीटो हेक्सोज शुगर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें भी हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? कीटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये भी 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें जो कीटोनिक ग्रुप है वो ये रहा, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6। और सेम वही जिस तरह से हमारे पास ग्लूकोज में डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज थे, इस तरह से फ्रक्टोज में भी अगर फिफ्थ कार्बन को इसको राइट हैंड साइड पर होगा तो वो डी फ्रक्टोज होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो वो एल फ्रक्टोज होगी। जिस तरह से वहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा शुगर थी, इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी? अल्फा और बीटा शुगर। सेम वही चीज़ जैसे ग्लूकोज में होती है वैसे, लेकिन इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो रिंग स्ट्रक्चर जो है वो 5 कॉर्नर्स वाला होगा। इसमें जो रिंग बनेगा, यानी जब ये क्लोज चेन फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इसमें जो रिंग बनेगा ये रिंग 5 कॉर्नर्स वाला रिंग होगा। इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरानोज, ठीक है। 5 कॉर्नर्स वाले रिंग को हम क्या कहते हैं? फ्यूरानोज। यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन मौजूद होता है, ये कार्बन नंबर 1 होता है, कार्बन नंबर 2, सॉरी यहाँ पे लगा होता है CH2OH, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड यहाँ पे अटैच है कार्बन नंबर 5, ठीक है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मेन फ़र्क क्या है? एक तो फ़र्क ये हो गया कि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है। उसका रिंग स्ट्रक्चर 6 कॉर्नर्स वाला होता है, जिसको हम कहते हैं पायरानोज। इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो 5 कॉर्नर्स वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरानोज। ठीक है, इसके रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? फ्यूरानोज। उसके अलावा एक और फ़र्क ये होता है कि जो ग्लूकोज थी वो डेक्सट्रोरोटेटेड थी, यानी जब आप उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो वो उसको बेंड कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। ये जो फ्रक्टोज है इसको हम कहते हैं लिवो रोटेटेड। फ्रक्टोज कैसी शुगर है? लिवो रोटेटेड, यानी इट बेंड्स प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट साइड। ये जो फ्रक्टोज है ये क्या है, जब इसमें से आप प्लेन पोलराइज लाइट गुजारोगे तो ये उसे कहाँ बेंड कर देगी? लेफ्ट हैंड साइड पे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लिवो रोटेटरी। और इसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं नेगेटिव का। ठीक है, जिस तरह से डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव साइन से शो करे थे, इसको कैसे शो करेंगे? नेगेटिव साइन से। तो ये सब बातें होंगी फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है गैलेक्टोज। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है? गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज 6 कार्बन वाली शुगर है। फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। ठीक है, एल्डिहाइडिक शुगर है, हम इसको क्या कहेंगे? एल्डो हेक्सोस। अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा होता है, सिर्फ एक फ़र्क होता है कि जो कार्बन नंबर 4 होता है उसमें OH की पोजीशन रिवर्स हो जाती है। कैसे? अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो तो वो हमने ड्रॉ किया था इस तरह से। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे अटैच होता है कार्बन नंबर 6। ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये क्या था? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ये ग्लूकोज है। अगर आप इसमें जो फोर्थ पोजीशन है इसमें आप OH को ऊपर कर दो और H को कर दो नीचे, यानी इसकी पोजीशन क्या कर दो? रिवर्स कर दो, तो ये शुगर मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? गैलेक्टोज। ठीक है, तो गैलेक्टोज बिल्कुल ग्लूकोज की तरह एल्डिहाइडिक शुगर है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कार्बन नंबर 4 पे OH की पोजीशन होती है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि क्या थी? ओलिगो सेक्राइड्स। ओलिगो सेक्राइड्स हमने बात की थी कि मोनोसेक्राइड्स का जो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल हो, जिसको आप मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो तो वो शुगर क्या कहलाएगी? ओलिगोसेक्राइड। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं वो होते हैं डाईसेक्राइड्स। वो क्या होते हैं? डाईसेक्राइड्स। डाईसेक्राइड्स यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो शुगर वो क्या कहलाएगा? डाईसेक्राइड। 3 कंबाइन होंगे तो ट्राईसेक्राइड, 4 कंबाइन हो रहे हैं तो टेट्रासेक्राइड, 5 कंबाइन हो रहे तो पेंटासेक्राइड। इस तरह से 10 तक जो कम्बिनेशन हमें मिलेगा उसको हम सिंपली क्या कहेंगे? ओलिगोसेक्राइड। हाँ, अगर 10 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। अभी हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में उस कैटेगरी की जो सिर्फ और सिर्फ 2 मोनोमर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डाईसेक्राइड। अब इसमें हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स आती हैं डाईसेक्राइड्स में, जिसमें से पहली है सुक्रोज। पहली क्या है? सुक्रोज। सेकंड हमारे पास होती है माल्टोज और लास्ट है हमारे पास लैक्टोज। अब ये सारे के सारे क्या हैं? डाईसेक्राइड्स हैं, यानी ये कैसे मिलेंगे? कैसे बनेंगे? 2 मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने से। अब बात करें अगर सुक्रोज की,
तो सुक्रोज जो है वो कैसे बनता है? सुक्रोज बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज. अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज. जब ये दो शुगर्स मिलेंगी, जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो वो शुगर क्या कहलाएगा? वो डाइसैकेराइड क्या कहलाएगा? सुक्रोज. ठीक है, इसका पहला कार्बन इसके दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है. ठीक है, इसका पहला कार्बन इसके दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो बॉन्ड जो दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान मौजूद होता है, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हो. जैसे ये एक शुगर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये दूसरी शुगर मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो इसके पहले कार्बन और इसके दूसरे कार्बन के दरमियान बन रहा है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्या नाम देते हैं? 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? जो सुक्रोज में पाई जाती है. सुक्रोज में कहाँ पाई जाती है? सुक्रोज कैसे बनता है? अल्फा ग्लूकोज मिलेगा बीटा फ्रक्टोज से. अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को हम क्या नाम दे देते हैं? 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो हमारे पास डाइसैकेराइड है उसको हम क्या कहते हैं? माल्टोज. ठीक है, माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनता है, यानी बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज. जब ये दो शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, तो इनके कंबाइन होने से जो डाइसैकेराइड बनेगा, उस डाइसैकेराइड को हम क्या नाम देंगे? माल्टोज का. ठीक है, माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से बनता है. अब ये दोनों कैसे कंबाइन होते हैं? इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 के साथ क्या होता है? बॉन्ड बनाता है. तो इस लिंकेज को हम नाम देते हैं 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का. क्या नाम देंगे? 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के साथ कैसे कंबाइन होगी? इसका पहला कार्बन इसके चौथे कार्बन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा. दो शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और पहले और चौथे कार्बन के दरमियान बने तो नाम क्या हो जाएगा? 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब लास्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है? लेक्टोज. ये जो लेक्टोज है ये भी दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ये भी एक डाइसैकेराइड है, ये मिलकर बनता है बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज. जब बीटा गैलेक्टोज कंबाइन होगा बीटा ग्लूकोज से, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा, जो डाइसैकेराइड बनेगा, इसको हम क्या नाम देते हैं? लेक्टोज का. बीटा गैलेक्टोज का पहला कार्बन इसके चौथे कार्बन के साथ क्या होगा? कंबाइन होगा. तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को भी हम क्या नाम देंगे? 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्लियर हो गया? तो ओलिगोसैकेराइड में हम किसके बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं? डाइसैकेराइड के बारे में. तीन इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज. सुक्रोज कैसे बनेगा? अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज. उसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा. सेकेंड जो डाइसैकेराइड है वो क्या है? माल्टोज. माल्टोज कैसे बनेगा? अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और लास्ट हमारे पास डाइसैकेराइड कौन सा है? लेक्टोज. लेक्टोज में बीटा गैलेक्टोज का पहला कार्बन बीटा ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड वाला टॉपिक हुआ जाता है कंप्लीट. अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, जो लास्ट कैटेगरी है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड.
पॉलीसेक्राइड का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ. पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन्स मोर देन 10 मोनोमर्स, जिसमें मोर देन 10 मोनोमर्स, मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स या मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? पॉलीसेक्राइड का. पॉली मीन्स मैनी और सेक्राइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल. ये जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये पॉलीसेक्राइड मेनली होते हैं दो तरह के. एक होते हैं एनिमल पॉलीसेक्राइड्स और एक होते हैं प्लांट पॉलीसेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट कंटेन्स मोर देन 10 मोनोमर्स. एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी. जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या नाम देंगे? एनिमल पॉलीसेक्राइड्स का. और जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या नाम देंगे? प्लांट पॉलीसेक्राइड्स का. अब जो एनिमल पॉलीसेक्राइड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होता है ग्लाइकोजन. वो क्या होता है? ग्लाइकोजन. और प्लांट पॉलीसेक्राइड जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है सेल्युलोस और एक होता है स्टार्च. एक क्या है? सेल्युलोस है. एक क्या है? स्टार्च है. ये तीनों क्या है? ग्लाइकोजन, सेल्युलोस, स्टार्च, तीनों के तीनों क्या है? पॉलीसेक्राइड्स है. ठीक है. किस चीज़ के पॉलीसेक्राइड्स हैं? ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के. ग्लूकोज अभी हमने मोनोसेक्राइड्स में डिस्कस की थी. ठीक है. जब वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो पॉलीमर बनाएंगे. अब वो जो ग्लूकोज का पॉलीमर बन रहा है वो तीन तरह का हो सकता है. वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है. अगर एनिमल के अंदर बन रहा है तो वो क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा. प्लांट्स के अंदर बन रहा है तो वो सेलुलोज भी हो सकता है और स्टार्च भी हो सकता है. यानी ये सारे के सारे क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सारे के सारे क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. अब एनिमल्स जो है वो ग्लाइकोजन कब बनाते हैं? एनिमल्स की बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. यानी ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स. ठीक है. स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे जो ग्लूकोज का पॉलीमर बनेगा, वो जो ग्लूकोज का पॉलीमर बनता है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है. यानी ये ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पॉलीमर. लेकिन वो जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर क्या होगा? हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. यानी जगह जगह से क्या निकली होंगी? उसकी ब्रांचेस मौजूद होंगी. ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. और कैसा पॉलीमर होता है? हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर. कैसा पॉलीमर होता है? हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर. अब आपने एक बात याद रखनी है, जब स्ट्रेट चेन होती है ना ग्लूकोज की, तो इसमें ये स्ट्रेट चेन बनाते वक्त यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये वन फॉर लिंकेज होती है. कौन सी लिंकेज होती है? वन फॉर लिंकेज. लेकिन जहाँ पे ये ब्रांच बनती है, ये जो पॉइंट है जहाँ से आपके पास ये ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी? 1-6 लिंकेज. यानी जब स्ट्रेट चेन बनती है तो इसका पहला कार्बन इसका चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, इसका पहला इसके चौथे, इसका पहला इसके चौथे. कौन सी लिंकेज बनेगी? 1-4 लिंकेज. लेकिन जहाँ पे ब्रांच वाला पॉइंट आएगा वहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी? 1-6 लिंकेज. तो ग्लाइकोजन को अगर हम समराइज करें तो ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स. यानी एनिमल्स के पास जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है वो उसको स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में. कैसे स्टोर करते हैं? वो एक पॉलीमर बनाते हैं ग्लूकोज का. वो पॉलीमर कैसा होता है? वो हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है. उसके अंदर 1-4 लिंकेज भी पाई जाती है और 1-6 लिंकेज भी पाई जाती है. प्लांट्स के अंदर जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सेल्युलोज और एक होते हैं स्टार्च. ठीक है. स्टार्च क्या है? स्टार्च है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स. ठीक है. जिस तरह से एनिमल्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर रहे थे ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इस तरह से प्लांट्स अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और ये जो सेलुलोज है ये भी एक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, लेकिन ये स्टोरेज फॉर्म नहीं है, बल्कि ये सेलुलोज को यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
सेल वॉल। हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो प्लांट्स के अंदर वो सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से। तो प्लांट बॉडी के अंदर आपको दो तरह के पॉलीसेकेराइड्स मिलेंगे, जो सेल वॉल में मौजूद है वो क्या कहलाएगा, सेलुलोज, और जो उनकी बॉडी का स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है वो क्या होगा, स्टार्च। ठीक है, अब अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो ये जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, सेलुलोज में क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो पॉलीमर होता है ये बिल्कुल अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, स्ट्रेट पॉलीमर होता है। ठीक है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज के अंदर भी ग्लूकोज का पॉलीमर होगा, पर वो ग्लूकोज का पॉलीमर कैसा है, अनब्रांच्ड है, उसमें कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, एक लीनियर स्ट्रेट चेन मौजूद है। और इसके अंदर फिर आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, हमने बात की थी कि जब स्ट्रेट चेन होती है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिंकेज होती है, वन फोर लिंकेज। तो ग्लाइकोजन चूँकि ब्रांच स्ट्रक्चर था तो उस पर 1-4 लिंकेज भी थी और 1-6 लिंकेज भी थी। जो सेलुलोज है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनब्रांच पॉलीमर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिंकेज होगी, 1-4 लिंकेज। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार्च पे। ये जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के, कौन से दो मॉलिक्यूल्स का, ये कॉम्प्लेक्स होता है अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन का। स्टार्च जो है वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब ये अमाइलोस भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, अमाइलोपेक्टिन भी क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, ये जो अमाइलोस है ये अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। अमाइलोस क्या है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और जो अमाइलोपेक्टिन है ये होता है ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ, ये क्या होगा, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो स्टार्च के अंदर भी आपके पास दोनों तरह के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अनब्रांच पॉलीमर भी होता है और ब्रांच पॉलीमर भी होते हैं। अनब्रांच पॉलीमर क्या कहला रहे हैं, अमाइलोस, ब्रांच पॉलीमर क्या कहला रहे हैं, अमाइलोपेक्टिन। और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर क्या कहला रहा है, स्टार्च। और स्टार्च बेसिकली क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गए पॉलीसेक्राइड्स, यानी पॉलीसेक्राइड्स की हमने बात की, एनिमल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और प्लांट पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। एनिमल पॉलीसेक्राइड कौन सा है, ग्लाइकोजन, जो कि क्या है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अनब्रांच्ड आगे यानी 1-4 लिंकेज भी है और 1-6 लिंकेज भी है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज भी है और स्टार्च भी है। सेलुलोज जो होता है वो सिंपली क्या होते हैं, अनब्रांच्ड पॉलीमर, उसके अंदर सिर्फ उसे 1-4 लिंकेज होती है। जबकि जो स्टार्च है उसके अंदर अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन होते हैं। अमाइलोस कैसे, अनब्रांच्ड पॉलीमर है, और अमाइलोपेक्टिन कैसे, ब्रांच्ड, यानी इसके अंदर भी आपको 1-4 लिंकेज भी मिलेगी और 1-6 लिंकेज भी मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। जी, ये होगी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्लासिफिकेशन कम्प्लीट। हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ी, हमने उसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। अगर एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसेक्राइड। अगर 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड में हमने एक एग्जांपल पढ़ ली डाइसेक्राइड्स की। ठीक है, और अगर मोर देन 10 मोनोमर्स हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हमने एग्जांपल सबकी पढ़ ली थी और हेक्सोज शुगर्स को हमने डिटेल में देख लिया। डाइसेक्राइड में हमने ये देख लिया कि कौन कौन से डाइसेक्राइड्स इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। उसके दरमियान आपको लिंकेज पता होनी चाहिए और उसके मोनोमर्स पता होने चाहिए। और जो एनिमल जो पॉलीसेक्राइड्स, उसमें हमने बात कर ली एनिमल पॉलीसेक्राइड्स की और प्लांट पॉलीसेक्राइड्स की। ठीक है, अब बस लास्ट में हमारे पास हम बात करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को और भी तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। अब एक तरीका होता है क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के बेस पे हमने पहले शुरू में बात कर ली थी कि मोनोसेक्राइड से ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। तो अगर हम सिर्फ टेस्ट के बेस पे क्लासिफाई करें कार्बोहाइड्रेट्स को, हम इसको कहते हैं दो तरह के होते हैं, शुगर्स और नॉन
शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया किस में, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेस पे शुगर्स, नॉन शुगर्स, शुगर्स यानी जो स्वीट इन टेस्ट होंगे, नॉन शुगर्स जो टेस्ट लेस होंगे। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट शुगर्स यानी इसमें एग्जांपल किसकी आ जाएगी, मोनोसेक्राइड्स एंड ऑलिगोसेक्राइड्स की, और इसमें किसकी एग्जांपल आ जाएगी, पॉलीसेक्राइड्स की। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अब इसके अलावा हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज यानी आप डिफरेंट रिएजेंट्स पढ़ती हो केमिस्ट्री के अंदर, टॉलस रिएजेंट होता है, फैनिंग सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर अगर आप किसी शुगर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हो रिएजेंट्स के अंदर, टॉलरेंस रिएजेंट या फैनिंग सॉल्यूशन के अंदर, तो आया वो शुगर उसको रिड्यूस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास दो तरह की शुगर्स होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स यानी वो शुगर्स कि जब आप उनको ऐड करोगे टॉलरेंस रिएक्शन के फैनिंग सॉल्यूशन में, तो वो उसके कलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो उसका कलर चेंज नहीं करेंगे, उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। रिड्यूसिंग शुगर्स में एग्जांपल्स आ जाती हैं मोनोसेक्राइड्स की और ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑल ऑलिगोसेक्राइड्स, लेकिन एक ऑलिगोसेक्राइड ऐसा है जो कि रिड्यूसिंग नहीं है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है सुक्रोज की। सारे के सारे ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, लेकिन सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग नहीं है। अच्छा, रिड्यूसिंग होना क्यों जरूरी, मतलब रिड्यूसिंग कोई शुगर क्यों होगी, वो शुगर रिड्यूसिंग होती है जिसके पास कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो। अब जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सबके पास एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है। सारे के सारे ऑलिगोसेक्राइड्स में फ्री होता है, लेकिन जो सुक्रोज है, सुक्रोज में आपको याद है हमने पढ़ा था 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज कंबाइन होंगे। ग्लूकोज के पास पहले कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फ्रक्टोज चूँकि कीटोनिक ग्रुप है, वो कीटोनिक ग्रुप था सेकंड कार्बन वाला। जब पहला अल्फा ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी पहला कार्बन बॉन्ड बना रहा है बीटा फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन यानी फ्रक्टोज के साथ, तो वो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स आपस में बॉन्डेड हो चुके हैं, उसमें कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप अब नहीं बचा। इसकी वजह से सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, इसके पास कोई फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं है ड्यू टू 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में, फिर हमारे पास कौन सी आ जाएगी, एक तो एग्जांपल आ गई सुक्रोज क्योंकि वो रिड्यूसिंग नहीं है, और बाकी सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स भी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं क्योंकि उसके पास भी कोई फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं होता। क्लियर हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम मेनली 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट में हम थोड़े बहुत फंक्शंस की बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। एक बात हम बहुत स्टार्ट में डिस्कस कर चुके थे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी मेनली हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसको यूज़ करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो एक बड़ा फ़ायदा इसका क्या हो गया, यानी इसका एक फंक्शन क्या हो गया, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके अलावा हमने एक कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया सेल्युलोज। सेल्युलोज जो है फॉर्म्स प्लांट सेल वॉल। तो सेल्युलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फंक्शन क्या है, प्लांट की सेल वॉल बनाना, ये दूसरा फंक्शन हो गया।
उसके बाद हमारी बॉडी को जब फूड स्टोर करना होता है तो वो स्टोर किस फॉर्म में करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। हमारी बॉडी कभी भी एक्स्ट्रा फूड को प्रोटीन्स या लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर नहीं करती, वो ज़्यादातर किस फॉर्म में स्टोर करती है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। जैसे एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं और प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है ये हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमने, मैंने आपको शुरू में बताया था न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं आपके पास डीएनए और आरएनए, जो बेसिकली क्या होते हैं आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब उस डीएनए या आरएनए के अंदर शुगर मौजूद होती है, वो शुगर क्या होती है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर्स। ये दोनों क्या है, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर्स हैं जो मौजूद होती है डीएनए और आरएनए के अंदर, और डीएनए का रोल होता है हेरिडिटरी में। तो इसका एक और फंक्शन क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक एंड हुआ, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन, और लास्ट में हम उसके बारे में क्या पढ़ लिया, फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स का टॉपिक, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।